अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार आज आपके सामने बेनकाब करने जा रही है एक ऐसे गैंग को जो लाहौर के पोश एरियाज में वारदातें करता था होंडा सिविक गाड़ी के अंदर। CIA को मतलूब ये गैंग एक अरसे से वारदातें कर रहा था और इनका तरीका वारदात बड़ा डिफरेंट है। ये वारदातें कैसे करता था, शहजाद मोटा इस गैंग का नाम है। सबसे पहले ये फुटेजेस आप देखिए, फिर आगे चलते हैं। फुटेजेस आपने देखी जो कि बहुत वायरल है। लोगों की कंप्लेंट्स के बाद CIA ने इस पर अपना काम करना शुरू किया और एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद इनको अरेस्ट कहां से किया गया और ये क्या माजरा है, ये सब मुलजमान की जबानी आपको सुनवाते हैं। चलते हैं, मुलजमान से बहस और तकरार करते हैं। मुलजमान हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? नहीं, जरा ऊंची आवाज में बात करनी है। क्या करते हो आप? मैं बेकरी का काम करता हूँ। बेकरी का काम जी। कब से? मैं 15-16 साल से कर रहा हूँ। 15-16 साल से बेकरी का काम करते हो। शादीशुदा? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। किधर है? अपने घर में। लाहौर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, कहाँ पर? वो टोबा में है। टोबा में है। घर वालों को पता है पुलिस ने पकड़ लिया? जी पता है। क्या मामला है, क्यों पकड़ा है, हथकड़ी लगी हुई है? वारदातें की हमने। वारदातें की हैं कहाँ पर? जगह का मुझे पता नहीं है। अच्छा, जगह का पता नहीं है। किसने मिलाया आपने साथ वारदातों में आपको? ये जो साथ खड़े हैं, ये जो साथ खड़े हैं मौसूफ, इनका क्या नाम है? शहजाद। शहजाद आपके दोस्त हैं? जी। कितने अरसे से? करीबन एक साल से। एक साल से दोस्ती है। तो ये दोस्ती आपको किधर चोरियों डकैतियों में ले आई है? दोस्ती ने सीधे काम नहीं डाला आपको? अच्छे खासे बेकरी का काम करते करते किधर आ गए हो अल्लाह के बंदे? बस गलती हो गई। गलती तो हो ही गई है, लेकिन कैसे आ गए? कोई गुर्बत थी, कोई मसाइल थे, या तुमने इनको कहा कि भाई मुझे कोई सुथरा काम ढूंढ के दो, या इसने तुम्हें वरगलाया? कैसे शुरू हुई बात? बस कोरोना की वजह से काम जो थे वो सारे बंद हो चुके थे। अच्छा जी। तो मैंने वीजे का बोला था इनको। अच्छा, तो फिर ये मिले तो इस वजह से हमने ये किया। वीजे का इनको बोला जी? कोई इनकी ट्रैवल एजेंसी है? नहीं, ये बाहर होते थे। ये बाहर होते थे जी। आपको कहाँ मिले थे ये? हमें यहीं पे मिले थे। यहीं कहीं थाने में? नहीं, घर पे। घर पे कैसे मिल गए भाई? फोन पे हमारा रابطہ था ना। वो कैसे हो गया? किसी दोस्त के थ्रू, वो उनका बाहर काम था। अच्छा, उसने कहा किस बंदे से मिल लो जी, वीजा। हाँ जी। ओके, फिर आपने इनको वीजे का कहा, फिर ये तो खुद वापस आ गए थे। लॉकडाउन की वजह से इनका कारोबार भी बंद हो चुका था। फिर हमने ये जो किया है आपके सामने है। जो कितनी वारदातें की हैं? 6-7 वारदातें की। कितने पैसे कमाए? टोटल होंगे 70-80 लाख। टोटल 70-80 लाख होंगे। आपका कितना हिस्सा होता था? तकरीबन मेरा 35 लाख था टोटल, जो मैंने लिया इतनी वारदातों में। अच्छा, तो वो किधर है 35 लाख? वो वापस दे रहे हैं पुलिस वालों को। रिकवरी कर रही है पुलिस जी। अच्छा, तो रखते कहाँ थे पैसे ले जाके? गाड़ी रखते थे जाहिर। बैंक शैंक में नहीं जमा कराते थे? नहीं। अकाउंट खोला हुआ था? नहीं। बैंक घर पे ऐसे ही रखते थे? कुछ तिजोरी बनाई? नहीं, घर में सेफ में रख देते थे। सेफ में रख देते थे। तो बेगम ने नहीं पूछा कि तुम इतने अमीर हो गए हो भाई? नहीं अमीर, मैं कौन सा करोड़ों में काम कर रहा था। उन्हें यही पता था कि अपना स्क्रैप का काम करता हूँ, झूठ बोला हुआ था मैंने। अच्छा, घर पे जी ठीक है, फिर झूठ बोला हुआ था उन्हें, नहीं था पता इस बात का, भी पता चले। अच्छा ठीक हो गया। तो मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से कर रहे हो? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल से मुराद हम कह सकते हैं 2021 से या 22 से? यानी कि 2022 के स्टार्ट में से। 22 का स्टार्ट था जी। ठीक हो गया। पकड़े गए हम लोग। वेपन किसका होता था? वेपन इन्होंने मंगवाया था। गाड़ी की नंबर प्लेट कौन चेंज करता था? हम दोनों ही करते थे मिलकर। कितनी नंबर प्लेट्स गाड़ी में रखी होती थी? 4-5 पड़ी हुई थी मेरे ख्याल से। सेम होती थी या डेली डिफरेंट होती थी? नहीं, चेंज करते थे रोज। नहीं, टोटल कितनी बनवा रखी थी? जब एक वारदात करते थे तब हम चेंज कर लेते थे। एक दिन में कितनी वारदातें करते थे?
एक दिन में क्या दो तीन महीने के बाद हमने एक वारदात की। दो से तीन माह के बाद एक वारदात होती थी? जी। पक्की बात है? जी। अच्छा, तो वारदात करने में कितना टाइम लगता था? टाइम तो नहीं लगता था, तकरीबन खड़े रहते थे हम बाहर बैंक के, तो वहां से हम पीछे जाते थे, फिर वारदात कर लेते थे, फिर उसके बाद चले जाते थे घर। कहाँ? अपने अपने घर। जी। गाड़ी किसकी होती थी? गाड़ी इन्हीं की थी। गाड़ी भी इसकी थी? जी। आपका क्या था बीच में? सिर्फ करेक्टर था? जी। वेपन भी इनका, गाड़ी भी इनकी, आइडिया भी इनका? जी। आपका क्या था? हमारा कुछ भी नहीं था, बस हम साथ जाते थे। बस साथ जाते थे। कभी किसी ने आगे से मजामत नहीं की कि जाओ मैंने नहीं देने पैसे? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? नहीं। लोग डर जाते थे? जी। कैसे डराते थे लोगों को? जाहिर है, लोग ये चीजें देख के गन्स वगैरह डर जाते हैं। कैसे डराते थे? लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। आपने वो वीडियो तो देखी होगी। ने वीडियो को छोड़ो, अभी वीडियो वाला खुद मेरे साथ खड़ा हुआ है जिसकी वीडियो बनी हुई है। कैसे डराते थे लोगों को? गन्स देख के लोग जाहिर डर ही जाते हैं। क्या कहते थे जाके उनको? पैसे ही बोलते थे कि पैसे दे दो। और बस मैं भी किसी को कहूँ पैसे दे दो, मुझे तो कोई नहीं देता। नहीं, जब गन होती है जाहिर अगला बंदा डर के उसको कहते हो मार दूंगा। नहीं, मारना क्यों है? पैसों की वजह से क्यों किसी को मारना होता है? अच्छा, बट शट भी मारे हैं लोगों को? नहीं। हाँ? नहीं। गालम गलोच? नहीं नहीं नहीं। प्यार से कहते थे? जी। हाँ जी, प्यार से जाके कहते थे पैसे दे दो बाजी? क्या कहते थे? आंटी पैसे दे दो, अंकल पैसे दे दो, क्या कहते थे? चलो शाबाश, जल्दी बताओ क्या कहते थे? ताया तो है मैंने के बाहर ही हम कौन से किसी के घर में घुस गए थे। हाँ भाई, आप तो किसी के घर में नहीं घुसे, बड़े शरीफ शहरी हो आप। गलती हो गई, मैंने सवाल किया आपसे। अमीर भी नहीं हो, बस 50-60 लाख ही आपने काम डाले 70-80 लाख के, मुझे ये भी पता लग गया। गुस्सा किस चीज़ का? नहीं, हम गुस्सा नहीं कर रहे। तो बताओ फिर कैसे किया था काम, कैसे डाला, किसी को कैसे मांगते थे पैसे, किसी से कैसे मांगते थे पैसे? जाहिर रोकते थे, रोक के और कहते थे कि पैसे जो है आपके पास दे दो। अच्छा, फिर? तो अगला बंदा दे देता है जाहिर डर के। को सर फिरा नहीं जुड़ा आगे से? नहीं। कभी नहीं? नहीं। पिस्टल लोड होती थी? नहीं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? पिस्टल लोड करके हमने कौन सा किसी को मारना होता था, डराना ही होता था ना। हाँ, कभी डराते डराते किसी और ने आगे से नहीं डराया? नहीं, कभी ऐसा। खवातीन को निशाना बनाते थे या मर्दों को? मर्द थे। खवातीन नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। फुटेज में मौजूद हो तो? कभी भी नहीं। फुटेज में मौजूद हो तो? हमने किया ही नहीं आज तक कभी। सिर्फ आदमियों को? जी। क्या वजह है? आदमियों के पास ज्यादा पैसे होते हैं? आदमी जाहिर बैंक से लेके निकलते थे। अच्छा, किस किस बैंक के बाहर खड़े होते थे? मुख्तलिफ बैंकों के पास। कौन कौन से? इन्हीं को पता है, मुझे तो पता नहीं है कि मैं यहाँ का रहने वाला ही नहीं हूँ। नाम तो पता है ना बैंकों का? पूरे पाकिस्तान में वही ब्रांचेज है ना? अल्फला बैंक है, हबीब बैंक है, मिजान बैंक है, इस तरह के और भी, यूनाइटेड ये वो। ठीक है, इन सब के बाहर खड़े होते थे। कितने लोग हैं आप लोगों के गैंग में? दो ही लोग। आप दो ही? बस इन दो ने नहीं डाली हुई है? क्या नाम है भाई आपका? शहजाद। शहजाद, शहजाद उम्र कितनी है? 52 साल। 52 साल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप एक मिच्योर शहरी हैं। पाकिस्तानी है, ओवरसीज है? ओवरसीज भी हो। ओवरसीज भी है, तो ये क्या बनी शहजाद साहब? ओवरसीज तो है, बाहर तो आप लोग लाइन में भी लगते हैं, बाहर आप लोग कोई चीज़ खरीदते हैं बड़े महज़ब अंदाज में, पेमेंट भी करते हैं, वहाँ के कानून को मानते हैं, वहाँ के शहरियों की इज्जत करते हैं, जी सर यस सर करके बुलाते हैं, तो पाकिस्तान आके आपने अन्नी डाल दी है। ये पाकिस्तान में आके क्या हुआ आपको? बस हालात और मामलात जो थे। हालात और मामलात में इंसान दुबई तो सरवाइव नहीं करता। कितने अरसे से दुबई है भाई? मैं तकरीबन था वहाँ 15 साल से। 15 साल से वहाँ है, तो इसका मतलब है कि फुल पॉलिश है। ये कहाँ से सीखी वारदात? बस फिल्म वगैरह देख के। फिल्म में जो, तो आज तक कोई फिल्म नहीं ऐसी नजर आई जिसमें इंसान डाकू बन जाए। देखा करे ना। क्या देखा करूँ? इंग्लिश फिल्म में देखा करे। अच्छा, इंग्लिश फिल्म में देखा करूँ डाकू बनने के लिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने क्या कहा है? आपने मुझे कभी देखे उसमें जो इंग्लिश आपने मुझे क्या कहा है कि इंग्लिश फिल्म देखा करें? इंग्लिश कौन सी फिल्म है जही जो डाकू बनाती है, जरा नाम लेना। कौन सी फिल्म है जो डाकू बनाती है? तो देखा करें ना, ये जवाब दिया आपने मुझे। अभी आपको हाथ खड़ी लगी हुई है।
वही अभी आप सीआईए की हिरासत में है, तो आपकी टोन ही और है कि मुझे फिल्म देखनी चाहिए। वो फिल्म जो डाकू बनाती हो, उस फिल्म का नाम बता दो भाई मुझे। मैं तो समझी शायद बाहर रह के आपकी ट्यून ठीक रह गई होगी, पर आपकी तो उससे भी बिगड़ी हुई। आपने कहा कि किस तरह इंस्पायर हुए? मैंने इंस्पायर का सवाल ही नहीं किया, वर्ड ही नहीं यूज किया। मैं वापस ले लेता। मैंने आपसे ये पूछा कि वो कौन सी चीज थी जिसने आपको इतना जबरदस्त डाकू बनाया? बस हालात और अपने हालात की वजह से बने, और हालात की वजह से आपको अल्लाह याद नहीं आया? यार अल्लाह से माफी मांग लें, अल्लाह का अजाब आ गया। कभी नहीं, कभी रात को 2-2.5 बजे उठ के अल्लाह से माफी मांगी हो? शायद कल पता नहीं दुनिया पे होना है या नहीं होना, हम सब के लिए ना, जितने लोग दुनिया पे आए हैं, पता नहीं है कल का दिन चढ़ना है नहीं चढ़ना, सभी के लिए। किसी के पास छोटी नहीं है कि वो 60 साल जिएगा, वो 100 साल जिएगा, वो 80 साल जिएगा, किसी को भी नहीं पता उसने सुबह उठना है कि नहीं उठना। बिल्कुल। तो आपको कभी नहीं ऐसा फील हुआ कि हालात खराब हो गए हैं, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ, अल्लाह रास्ता खोल दे रिस्क का? बस गलती थी। नहीं वैसे मैं पूछ रही हूँ, कभी ऐसा आया ख्याल? बोला ना गलती थी। मैंने पूछा आपको ख्याल कभी आया? मैंने अर्ज किया कि गलती थी, करना चाहिए। आपको अल्लाह कभी याद आया? अल्लाह सबको याद होता है। आपको याद है अल्लाह? बिल्कुल। मुझे तो लगता है आपको इस टाइम भी नहीं याद। नहीं, मुझे तो नजर आ रहा है आपकी ट्यून बता रही है। अल्लाह ताला की जात, आपकी मुल्ज़िमों वाली ट्यून ही नहीं है मोहतरमा। अल्लाह ताला की जात से ही इंसान मांगता है खताओं की। तो आपने तो फिर लोगों से मांगना शुरू कर दिया भाई। वही कहना गलत। आप कह रहे हैं कि अल्लाह की जात से इंसान मांगता है, आप साथ लोगों को गन दिखाते हैं, साथ उनसे पैसे लूट लेते हैं अल्लाह के बंदे। किसी ने हज के पैसे जोड़े हुए हैं, किसी ने घर से रुपया रुपया जोड़ के किसी काम के लिए जोड़ा हुआ है, किसी ने बच्चों की शादियों के लिए जोड़ा हुआ है, पिस्टल दिखाई उनको और चीजें लेके फरार हो गई। आप कह रहे हो मैं अल्लाह से मांगता हूँ? बुरी बात है जी, बुरी बात ही, नहीं करना चाहिए था ऐसे, नहीं करना चाहिए था। चलो इस चीज़ का आपको एहसास है, कितनी दफ़ा किया है ये? कुछ 7-8 दफ़ा किया है। 7 से 8 दफ़ा? किस साल से लेके किस साल तक करते रहे हो? यही 2022 में की है। वारदात की थी तो उस टाइम क्या कहानी जेन में आई थी, किस चीज़ से तंग आए तो आपने कहा कि ये काम मुझे करना चाहिए? हालात से तंग था, परेशान था बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो उस वजह से फिर यही सोचा कि चलो इस तरह करके पैसे कुछ इकट्ठे करके तो अपना कर्जा वगैरह। पहली वारदात क्या की थी? पैसे छीने थे। पैसे छीने थे बैंक से निकलने वालों से या गाड़ी से रोक कर? नहीं नहीं, बैंक से निकलने, गाड़ी आगे जाके रोकी थी। बैंक से निकल रहे थे जो लोग पैसे लेकर, उनके पीछे लग गए थे? जी जी। आइडिया था कुछ? हाँ जी, थोड़ा बहुत था कि जो भी मिल गया उसमें पैसे उतने मिल जाएंगे। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि बैंक से निकलने वाली कितनी वारदातें की हैं? 7-8 की हुई हैं। और गाड़ी वाली? गाड़ी वाली बता रहा हूँ, गाड़ी पे की है। गाड़ी पे की है, बैंक और गाड़ी की एक ही वारदात है? नहीं, बैंक में कोई नहीं की जाके अंदर। बैंक से जो पैसे लेके एनवेलप पे लोग निकलते थे जी, बिल्कुल, उनसे आपने खींचे हैं? जी जी। कितने? तो बताया 7-8 वारदातें की हुई है। ठीक है, और गाड़ी भी इन्हीं वारदातों में इस्तेमाल होती थी? जी। अच्छा मुझे ये बताओ गाड़ी किसकी थी? वो मेरी थी। आपकी अपनी थी? जी। नाम थी? हाँ जी। आपके नाम थी? जी। फिर सोच के जवाब दो। जी जी। नाम थी? जी। एक ही गाड़ी यूज करते थे हर वारदात में या डिफरेंट? नहीं, एक ही थी। एक ही थी। कौन सी गाड़ी थी? सिविक थी। होंडा सिविक थी? जी। वेपन के भी आप ही का था? जी जी। वो कहाँ से लिया था? वो पेशावर से मंगाया था। इसी काम के लिए? जी। तो हालात जब तंग थे तो फिर वेपन कैसे आ गया? नहीं, कुछ पैसे थे मेरे पास। कितने का आया? तकरीबन आए थे 70-80 हज़ार के। ओके, अच्छा मुझे बताओ गाड़ी जब लेकर निकलते थे बाहर तो गाड़ी की नंबर प्लेट का क्या किस्सा है? चेंज कर लेते थे। कैसे? खोल के उसको। नंबर प्लेट्स कितनी बनवा रखी थी? 5-6 थी। बस वो 5-6 से हर दफा काम होता था? जी, चेंज कर लेते थे। गाड़ी के अंदर ही होती थी? जी जी। कौन चेंज करता था? दोनों इकट्ठे कर लेते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नंबर प्लेट चेंज कर रहे हो तो पुलिस आ जाए, कोई शहरी आ जाए कि ये क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब तक 2021 से लेके 23 कितने पैसे लोगों से छीने? तकरीबन 70-80 लाख रुपया। 70-80 लाख रुपया? वो 70-80 लाख किधर है? कुछ रिकवरी करवा रहे हैं, कुछ इस्तेमाल हो गए। इस्तेमाल कहाँ हुए? मेरा कोई बैंक डिफॉल्टर था, मैं दुबई में, उधर उनको दिए बैंक में। अच्छा, और बस फैमिली को पता है आपकी? अभी पता लगा। पहले नहीं पता था? नहीं। कि क्या करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं आइडिया था बच्चों को, घर को? नहीं। अब क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं, लानत ही भेजेंगे और क्या करेंगे। गलत हुआ ना जो हुआ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गलत हुआ उम्र के इस हिस्से में। कभी उम्र के इस हिस्से में, ये तो दुखी करने वाली बात है।
कभी दुबई में रहते हुए सोचा है कि ये जा रहा है बड़ा बिजनेसमैन है, जरा इसको रोकें गन पे? उस टाइम कभी नहीं आया जहन में? नहीं ऐसा। क्यों? जो इंसान हालातों का मारा हो, बकौल आपके कि मैं हालातों का मारा हुआ था, मैंने हालात से तंग आके ये काम किया है, तो जिसके बीवी बच्चे बाहर हैं दुबई में, वो जाता आता है, तो उसके जहन में ये भी तो आ सकता है ना, ये बिजनेसमैन है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है भाई इसके पास, तो इसको काम डालते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। वजह? कोई वजह नहीं थी। ये पता है कि वो लोग पकड़ लेंगे, टांग देंगे, या वहाँ करते हुए डर लगता है? बस कभी सोचा नहीं वहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं सोचा ना, यही तो पूछ रही हूँ, कभी क्यों नहीं सोचा? बस नहीं, पाकिस्तान क्यों, वहाँ क्यों नहीं? पकड़ तो आपको CIA ने लिया ही है, बड़ी कामयाब कार्रवाई की है CIA ने, वारदात की और आके नंबर प्लेट चेंज कर दी। जी जी, यही किया जी। वारदात करने में कितना टाइम लगता था? एक मिनट डेढ़ मिनट लग जाता है। बड़े फिल्मी अंदाज में आते हो, ऐसे राइफल आगे करते हो, पैसे लेते हो और चल पड़ते हो, अल्लाह के बंदे, कुछ लम्हों की वारदात है जो आप डालते हो जी, ऐसा ही है जी जी। कभी किसी पे तरस नहीं आया? जो टूटा हुआ शख्स हो उसको तो पता होता है हालातों का। आप कहते हो जी मैं हालात से तंग आ गया था, हो सकता है किसी के उम्रे के पैसे हों, किसी के हज के हों, किसी की बेटी की शादी के हों, किसी के घर के राशन के हों। बिल्कुल, ये शैतान ने बहकाया था। और इसी कभी किसी पे तरस नहीं आया? नहीं, पैसे लिए हैं, उससे पूछा तो नहीं किसी से कभी क्या हुआ है। औरतों को भी निशाना बनाते? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं, उसकी क्या वजह है, औरत क्यों नहीं? बस कभी भी नहीं किया किसी का, तो उनके नहीं, नहीं, चलो नहीं किया, ये अच्छी बात है, औरतें बच गई, लेकिन क्या वजह है? आदमी ही क्यों, दूर से देख लेते थे कि आदमी ही आ रहा है गाड़ी में? जी जी। जी, किस गाड़ी को निशाना बनाते थे? किसी को भी नहीं, पैसों से लेते थे गाड़ी? नहीं, तो नहीं, गाड़ी देखते थे, पीछे लगते थे, गाड़ी की ब्रेक लगती थी, फिर आप निकलते थे जी जी। तो गाड़ी तो टारगेट बनाते थे ना, तो किस वाली गाड़ी को समझते थे कि इसको रोको कुछ निकल आएगा माल? बस जो किए उन्हीं को रोका हमने। डिफेंस में क्यों करते थे ज्यादातर काम? यहाँ पे तो एक आधी किया था काम। और कहाँ कहाँ किया? इधर फैसल टाउन, गार्डन टाउन वगैरह, मॉडल टाउन में। फैसल टाउन, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, डिफेंस और जी बस इसीलिए। बैंक्स कौन कौन से? मेजान बैंक था, और शायद कोई एक आध और कौन सा? मेजान बैंक ही थे ज्यादा। वारदात करने के बाद कहाँ जाते थे? नंबर प्लेट चेंज कर लेते थे। ठीक है, नंबर प्लेट चेंज हो गई, फिर बस फिर घर चले जाते थे अपने अपने घर जी। फिर उसके बाद ये नॉर्दर्न एरियाज की क्या कहानी है? पता नहीं, मुझे आप बताएं। नॉर्दर्न एरियाज नहीं चले जाते थे, रूपोश हो जाते थे? नहीं नहीं, वैसे घूमने फिरने तो जाते रहे। नशा वशा कौन सा करते? कोई नहीं करता। नशा नहीं करते? नहीं। शराब कौन पीता है? मैं तो नहीं पीता। लड़कीबाजी कौन करता है? कुछ भी नहीं ऐसा। हाँ, कुछ भी नहीं ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है जो बयानात रिकॉर्ड हुए हैं वो? नहीं, कोई नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। शराब नहीं पीते? नहीं। तुम पीते हो? नहीं, मैं नहीं पीता। हाँ, नहीं। लड़कीबाजी कौन करता है भाई नॉर्दर्न एरियाज में जाके? कोई भी नहीं। कोई नहीं करता? नहीं। आगे क्या करना है अब? बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, कानून से जब रिहाई मिलेगी तो खुदा से भी माफ़ी मांग रहा हूँ आप, ताकि जो कब्र का अज़ाब है वो ख़त्म हो। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। हाफिज तसद्दुक हुसैन खोकर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम लेते हैं तसद्दुक हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम तसद्दुक साहब, बताइएगा कि ये कितने अरसे से मुतहर्रिक गैंग था? ये जो हमारे पास एविडेंस आई हैं, फुटेजेज आई हैं, वो 2021 से जो दिसंबर और नवंबर के मंथ से फुटेज आई हैं हमारे पास, जो करते आ रहे थे इसी तरह की वारदात, और जो अब हमें अल्लाह का शुक्र है कि इनको पकड़ लिया। ठीक हो गया। तसद्दुक साहब, कितने लोगों पर मुश्तमिल ये गैंग है? ये दो रुकनी गैंग है, एक इसमें जो मेन सरगना है वो शहजाद मोटा है, ये 2011 में भी पकड़ा गया था, सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है, और जो दूसरा है नईम है। ठीक है, वो भी लाहौर का और इसका दोस्त है। ठीक हो गया। उम्रें कितनी कितनी हैं और बैकग्राउंड की हम बात करें तो क्या इनकी फैमिलीज भी इन्हीं कामों में मुलव्वस हैं, कहाँ हैं? इसकी जो उम्र है शहजाद मोटा जो है मेन सरगना, इसकी एज है 52, और जो दूसरा है नईम है उसकी 36 है। ठीक है। और जो इसकी फैमिली है शहजाद की, ये दुबई में थे पहले, अब कोरोना के डेज में ये पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन इसका जो बेटा है वो दुबई में सेटल है।
ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि हम तरीके वारदात पर बात करते हैं। नाज़रीन आपने अक्सर औकात देखा कि हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आप लोगों के सामने ऑन एयर करते हैं, दिखाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किसी तरीके से वारदात की जाती है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसका तरीके वारदात जो है वो बड़ा अनहोना किस्म का है, वो बड़ा डिफरेंट टाइप का है। इन लोगों को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और ये किन लोगों को टारगेट बनाते थे? तसद्दुक साहब, किन लोगों को टारगेट बनाते थे ये इनका जो तरीका वारदात है ये है कि जो बैंक है, मिजान बैंक हो गया या इस तरह के जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिसमें रिकवरी का जो ज़्यादा होते हैं, तो उनके बाहर ये खड़े हो जाते थे। और जो इनकी जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में आया कि जी ये इनको कैसे पता लगता था पैसों का, वो इस तरह है कि जी मिजान बैंक है और एक और बैंक है, वो अपने इनवेलप में पैसे देता है जो कस्टमर आता है पैसे लेने के लिए, ठीक है, तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन उनको ये होती थी कि ये पैसे लेके आ रहा है। वो जब वो गाड़ी में लेके जाता था तो किसी गली में जब वो इंटर होते थे तो वो उसको राउंड अप करके उनके साथ वारदात कर लेते थे, ठीक है। और क्या सिर्फ मिजान बैंक के बाहर ही या डिफरेंट बैंक्स के बाहर? ये लाहौर के डिफरेंट बैंक्स है, गार्डन टाउन में है, मॉडल टाउन में है, और मॉडल टाउन में थे और डिफेंस के एरिया में जो बैंक हैं कमर्शियल उनके साथ ये उनके सामने खड़े होके टारगेट तलाश करके ये वारदात, कौन एनवेलप और कौन पैसे लेकर निकला है और उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। ओके, अच्छा इसके साथ साथ लाहौर CIA को एक गैंग भी मतलूब था तसद्दुक साहब, जो गाड़ियों में वारदात करता था, जिनके पास होंडा सिविक बेहतरीन पोजीशन की गाड़ी होती थी और किसी भी राहगीर के आगे वो ब्रेक लगाते थे। ऑब्वियसली जब ब्रेक लगेगी तो पिछली गाड़ी वाला भी ब्रेक लगाएगा, तो उसी टाइम एंड उसी चंद सेकंड्स में वारदात कर ली जाती थी। वो ज़रा डिटेल्स बताइए, क्या ये भी वही गैंग है? जी जी बिल्कुल, ये वही गैंग है। आपने सोशल मीडिया में फुटेज देखी होंगी जी, गाड़ी आती है, रुकती है, उसके आगे राउंड अप कर लेते हैं और बड़ा वेपन एक होता है इनके पास और वारदात कर लेते हैं। ये वही गैंग है, ये वही गैंग है। इनसे रिकवरी कितनी आपने की है? जी अभी तक जो हमने जो रिमांड है हमारा जो फिजिकल रिमांड चल रहा है उनमें 60 प्लस हमने कर लिए, 60 लाख रुपए। जी जी हाँ जी, ठीक है। और अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मजीद रिकवरी इंशाल्लाह ठीक हो गया। वेपन भी बरामद कर लिया? जी जी वेपन भी बरामद हो गया इनसे, बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि इन्होंने वारदात के दौरान या 2021 से ये मामला चल रहा है, तब से अब तक वारदातों के अलावा और भी मुख्तलिफ कैटेगरीज के क्राइम होते हैं, क्या उनमें भी ये मुलविस है? नहीं, अभी जो अभी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है उसमें अभी तक हमारे पास यही फुटेजेज आई हैं और एविडेंस भी इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक तो है। अभी हम मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर कोई इससे अलावा भी हुई तो वो भी इंशाल्लाह उस पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या ये कत्लो गारत में भी मुलव्वस हैं या कब्जा माफिया वगैरह वाला सिस्टम भी है इनका? नहीं, अभी तक कोई ऐसी एविडेंस हमारे सामने नहीं है, ठीक हो गया। ये बताइएगा तसद्दुक साहब के इनका CRO तो आपने चेक किया होगा ना, ऑब्वियसली, तो CRO क्या कहता है? जो शहजाद मोटा है ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता 2011 में ये पकड़ा गया था डकैती की वारदातों में, ठीक है। तो उसके बाद जब जेल से छुटने के बाद ये दुबई रवाना हो गया था और जब कोरोना के डेज थे तो ये पाकिस्तान आ गया था, फिर उसके बाद ये वारदातों में शामिल। तो इट मीन्स के दुबई में इसकी फैमिली, इसके बच्चे, इसकी बेगम जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी कहलाते हैं, ऐसे ही है? जी अभी तक जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई है हमारे पास, तो अगर तो उनको भी अगर ये चोरी की या वारदात के पैसे भेजते रहे हैं तो हम उसके मुतालिक भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि वारदात करने के बाद अमूमी तौर पर जो क्रिमिनल शख्स होता है वो टाउन बदल लेता है, सिटी बदल लेता है, रूपोश हो जाता है, ये भी कुछ ऐसा करते थे वारदात के बाद, क्या एक्टिविटी होती थी? जी बिल्कुल, अभी तक जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि ये वारदात करने के बाद फैमिली के साथ ये नॉर्दर्न एरियाज चले जाते थे, वहाँ पे स्टे करते थे और जब छुपने के लिए या एंजॉय के लिए, अब अपनी पुलिस का ध्यान बिठाने के लिए कि पुलिस उस गाड़ी को तलाश करेगी, ठीक है, तो वो फिर उसको फिर पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए ये फिर नॉर्दर्न एरिया में चले जाते थे। ओके, वहाँ कुछ दिन गुजारे और फिर आके वारदात। बिल्कुल, अंदाजन कितनी वारदातें ये कर चुके हैं? जी अभी तक जो हमारे पास एविडेंस आई हैं, फुटेजेज हमने कलेक्ट की हैं, वो 10 से 12 फुटेजेज हैं, ठीक है। और अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर इसके अलावा भी वारदातें हुई तो हम उसमें भी इंशाल्लाह कानूनी। CIA लाहौर एक अरसे से इस गैंग के हवाले से काम कर रहा था और ऑब्वियसली CIA एक बहुत बड़ा समंदर है जो काम करता है और कैफे किरदार तक मुलजमान को पहुंचाता है। आप इस गैंग को पकड़ने के लिए कितने अरसे से इस पर वर्क कर रहे हैं? जी हमारी जो CIA की टीम है काफ़ी अरसे से इनके पीछे लगी हुई थी और अब अल्लाह का शुक्र है कि जी ये हमारी मेहनत रंग ले आई और हमने इनको मौके से पकड़ लिया। पैसे रखते कहाँ थे ये लोग?
ये रास्ते में ही जो दूसरा मेंबर है रास्ते में ही ये तकसीम कर लेते थे, इन्होंने अपना रखा हुआ था कि एक ने 40% और एक के 60%। ठीक है, तो ये कुछ जो शहजाद मोटा है ये कुछ इस तरह के नॉर्दर्न एरिया में जाके पैसे ज़ाया कर लेता था, फिर उसके बाद अपने बेटे को भी बेचता था जो अभी तक उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और कुछ घर में ये इस्तेमाल कर लेता। जो दूसरा है उसने कहा है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो हम वो भी जो कानूनी कार्रवाई बनेगी उस पर हम करेंगे। जो गाड़ी होंडा सिविक यूज की जाती थी क्या वो इनके नाम होती थी, ऑनर होते थे या रेंट की गाड़ी थी? जी ये कोई रेंट की गाड़ी है, और अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये कहा है कि पहले मेरे पास होती थी लेकिन अब मैं वारदात रेंट की गाड़ियों की यूज करता हूँ। पुलिस जब किसी भी मुलजिम को टारगेट करती है उसको अरेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले उसकी गाड़ी का जो नंबर होता है वो सेफ सिटी से लिया जाता है, कहाँ जा रही है, क्या एक्टिविटी है। तो ये गाड़ी मतलब 2-2.5 साल के बाद क्यों पकड़ी गई, जल्दी क्यों नहीं, क्योंकि नंबर्स तो होते हैं ना प्लेट्स पे? जी, ये बेसिकली ये शातर माइंड का गैंग है। अब ये जिस दिन वारदात करते हैं उस दिन ये 10-12 दफ़ा नंबर प्लेट चेंज करते हैं, और जो नंबर प्लेट लेते हैं वो फेक होती हैं। फेक नंबर प्लेट हमने उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमने मिली है और जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है ये OLX और पार्क व्हील से लेते थे। उधर से जो अब इनकी गाड़ी का जो मॉडल होता था जिस गाड़ी को ये लेके आते थे वारदात के लिए उसी तरह की ये नंबर प्लेट उसी मॉडल की उसी गाड़ी की ये नंबर प्लेट फेक बनवाते थे। ठीक है, और वो नंबर प्लेट भी उस तरह की लेते थे कि जी जो गाड़ी फॉर एग्जांपल लाहौर का नंबर है लेकिन लाहौर से बाहर वो गाड़ी चल रही है ताकि पकड़े ना जाएं। ठीक है, बड़े शातिर माइंड के ये थे जो सरगना इनका जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इनको पकड़ लिया। आप लोगों की कितनी टीम थी, कितने मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर काम किया और कामयाबी अल्लाह ने दी है? जी हमारे 4 ऑफिसर थे और जिसको मैं लीड कर रहा था। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने क्विकली एक्शन किया। एक पहले तो हमें था कि ये बहुत बड़ा वेपन भी है, कोई मजाहमत ना हो जाए, तो हमने सेफ्टी भी देखनी थी। तो पब्लिक एरिया था जहाँ से हमने इनको गिरफ्तार किया, तो फिर हमने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक इनको इन्होंने नंबर प्लेट चेंज करने के लिए गाड़ी को एक किसी सुनसान गली में स्टे करवाया, तो हमने वहाँ पे कोई एक्शन करके इनको पकड़ लिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए जब आप लोगों ने इनको अरेस्ट किया तो उस टाइम गाड़ी में कितने लोग सवार थे? जी 2 लोग थे। ठीक है, और दोनों ही आपके मुलजिम? हाँ जी, जो आपको रिक्वायर्ड थे। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि गाड़ी की जो नंबर प्लेट्स ये चेंज करते थे उसको चेंज करने के लिए ऑब्वियसली पेचकश चाहिए, नंबर प्लेट्स मौजूद होनी चाहिए, तो क्या वो सब सामान गाड़ी के अंदर होता था? जी बिल्कुल, सब कुछ इन्होंने गाड़ी में रखा होता था, बैग होता था, उसमें वेपन भी रखते थे, अगर कोई कोई चेकिंग करने के लिए आए तो पूरा ये बंदोबस्त करके आते थे। ठीक है, और ये किन एरियाज में ज़्यादा वारदातें करते थे? ये इनकी जो अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन और एविडेंस कलेक्ट हुई है वो गार्डन टाउन है, फैसल टाउन है, मॉडल टाउन है, और डिफेंस एरिया जो है पुलिस स्टेशन काना के अंदर जो है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से उम्मीद हो कि कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जी जी बिल्कुल, वो पहले रैकी करके सेफ रास्ता भी तलाश करते थे कि अगर हम वारदात करने के बाद किस किस पॉइंट से हम या जिस रोड से जाएं तो हमें कोई हर्डल्स ना पेश आएं। ठीक है, पूरा वर्किंग करके फिर ये वारदात करते थे। बिल्कुल ठीक है, ये बताइएगा तसद्दुक साहब जहाँ पर हम बात करते हैं शरीफ शहरी की, तो शरीफ शहरी जिसको वेपन का पता ही नहीं है, जो डाकू का नाम सुन के डर जाता है, ऑब्वियसली आप जब जाके इतने बड़े वेपन को उन पर तानेंगे, जैसे कि हमने वीडियोज़ देखी हैं और वो वायरल हुई हैं और CIA ने काम किया, आप उसके इंचार्ज हैं इस पूरी टीम के, तो शरीफ शहरी की जानिब से भी कोई कंप्लेंस आप लोगों को आती थी कि ऐसा आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, मुख्तलिफ कंप्लेंस आई? जी जी बिल्कुल, काफ़ी कंप्लेंट आई थी। हम तमाम जो थे कंप्लेनेंट थे उनके साथ रबते में थे, हमने तमाम एविडेंस भी कलेक्ट की, और अब हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ये रडार में आ गए और हमने पूरा उनको अच्छे तरीके से और सेफ पॉइंट के साथ और सेफ्टी के साथ उनको पकड़ लिया। थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में आप तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट। हम तमाम लोग सेल परचेज के लिए मुख्तलिफ ऑनलाइन कंपनीज को इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी गाड़ी को अच्छे से अच्छे दाम पर बेचना चाहते हैं। इसके लिए हम अपनी गाड़ी की तस्वीर को भी उस निजी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट कर देते हैं और कीमत मेंशन कर दी जाती है कि हमने अपनी गाड़ी इतने रुपए में यहाँ पे बेचनी है।
सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग सेल परचेज की कंपनीज को ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो आप लोग अपनी गाड़ियों की तस्वीर ज़रूर आवेज़ा करें, मगर जो नंबर प्लेट्स हैं उन नंबर प्लेट्स को वहाँ पर आवेज़ा ना करें, शो ना करें। आज के गैंग के हवाले से हमें ये मैसेज मिला कि तमाम वो गाड़ियाँ जो मुख्तलिफ निजी कंपनीज़ की वेबसाइट्स पर लगी होती हैं, जो गाड़ियों के ऊपर नंबर्स लगे होते हैं, उन नंबर्स को कॉपी किया जाता है, दो नंबर प्लेट को तैयार करता है ये शहजाद मोटा गैंग और अपनी गाड़ी पर लगाता है और वारदातें करता था। इसी वजह से अरसे दराज तक ये अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब भी किसी नंबर प्लेट को ट्रेस किया जाता था सेफ सिटी के ज़रिए से, तो मालूम होता था कि ये गाड़ी तो चलती है गुजरात में, ये गाड़ी तो चलती है किसी और शहर में, जबकि ये गैंग मतलूब था लाहौर पुलिस CIA को। तो आज के प्रोग्राम के ज़रिए से ये मैसेज मिला कि अपने नंबर्स को ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आवेज़ा ना करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।